चलिए अल्लाह ताला आपको खुशियां दे इंशाल्लाह। मैं मिलूंगा अम्मा जी आपसे दोबारा आके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहसिन अब्बास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज वैसे ही घर में बोर हो रहा था, आई थॉट कि कहीं बाहर निकलते हैं और टाइम शेम पास करते हैं। तो दीज आर माई इनिशियल डेज ऑन यूट्यूब। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, काफ़ी एडिटिंग के बारे में मैंने वीडियोज़ देखी हैं और फिर मैंने कंक्लूड किया कि एडिटिंग इज यू नो मेरे बस से बाहर की बात है। सो बाकी जस्ट लर्निंग, अल्लाह खैर करे, देखते हैं। और बाकी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं इस टाइम फैसलाबाद की रोडों में आवारा गर्दी कर रहा हूँ। आवारा गर्दी नहीं कह सकते, सॉर्ट ऑफ काम जा रहा हूँ और गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। और बाकी गर्मी के साथ साथ जब मैं ये अपने फुटपाथों पे लोगों को देखता हूँ तो इट्स रियली एम्बैरेसिंग एज अ नेशन, कितनी गुर्बत हो गई हमारे मुल्क में। मतलब इस गर्मी में बूढ़े लोग, और मैं अभी एक रोड से गुजरा, एक बूढ़ी माई खड़ी थी वहाँ पे और बिल्कुल वो कर रही थी, मास्क वगैरह बेच रही थी। सो इट्स रियली रियली एम्बैरेसिंग एज अ नेशन। तो बाकी ये एक अम्मा बैठी हैं, इनसे हम मास्क खरीदते हैं और अम्मा से पूछते हैं कैसी जा रही है इनकी लाइफ। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक है? क्या बेच रही हैं अम्मा जी? बेटा मैं मास्क बेच रही हैं। मुझे मास्क ला के दिखाएं अम्मा जी जरा। एक बेटा इधर से मिल गया दुकान से। मैं मुझे ला के दिखाएं, मैंने खरीदने हैं। तो हम अम्मा जी के आज सारे के सारे मास्क खरीदेंगे। अम्मा जी कितने मास्क हैं आपके पास? बेटा है क्या कोई पता नहीं, पता मैंने गैन निगाह बहुत काटा मैं। फिर भी कितने होने हैं? तकरीबन 40 के होने हैं। अच्छा 30-40 हो गए। अम्मा जी मैंने सारे मास्क दे दो। तो ये हम अम्मा जी से आज मास्क ले रहे हैं। अम्मा जी कितने के बनते हैं मास्क के? बेटा 10 रुपए का एक दिन है। कितने पैसे बन जाते हैं? ये तो पोत बानी मैंने नहीं पता, अंदाजन दस्ते हो कितने बन जाने? यानी कि 4-5 है दा बन जाना, 4-5 है। अच्छा 10-20। तो अम्मा जी तुसी इस उम्र जितनी गर्मी से काम करन दे? कोई नहीं कमाने वाला पोत, मैं किराया भी देना हुंदा मकान दा। अच्छा सारा कुछ पोत मैं करना, मैं एक नवासी है मेरे कोल पाल दियां। अच्छा पालने वाली तो अल्लाह दी जात आ। अच्छा ते ओ एडी का? अच्छा ओनू मैं रखया है, बंदा मेरा मिंजी ते पिया वा बीमार आ। अच्छा गोडे गुडे दुखदे आ, उठ नहीं जांदा, ये समझा भारा वा। अच्छा मैं अपनी पोता मेहनत करदी आ। चलिए अम्मा जी बड़ा अच्छा लगे आप इस गर्मी में, इतनी गर्मी है और आप मांगदा खान उगा वे किराया भी देना नहीं था, अगले कहने दे बेला करो मकान। नहीं अम्मा जी मुझे बड़ा अच्छा लगे आप इस गर्मी में रिस्के हलाल कमा रही हैं, भीख नहीं मांग रही, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अम्मा जी ये सारे मास्क भी आप रख लें और ये मास्क के पैसे भी रख लें, ठीक है? अम्मा जी आपने दुआ करनी है मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरी भी जिंदगी आसान करे और अल्लाह ताला आपको भी खुशियां दे। अम्मा जी चले, नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस बड़ा मुझे दुख होता है यार, इस औरत की आप उम्र देखें, ये कोई 80-90 साल की होनी है और ये इस उम्र में इस धूप में बैठी है। बाहर के मुल्कों में ओल्ड एज एक होम्स बने हुए हैं, बुजुर्गों को वहाँ पे रखा जाता है। अब ये अम्मा जी हैं, इनकी सिर्फ एक नवासी है, कोई भी नहीं था इनका, और ये इस गर्मी में मास्क बेच रही हैं। ये एज अ नेशन हमारे लिए सोचने वाली बात है कि वेयर वी आर हेडिंग। ये देखें एक और अम्मा जी बैठी हैं यहाँ पे, इनसे भी हम मास्क लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी, क्या हाल हैं? सेहत शेहत ठीक है आपकी? क्या बेच रही हैं अम्मा जी? मास्क बेच रही हैं। कितने का एक मास्क अम्मा जी? आज तो मेरी पहली थी की। अच्छा आज पहली बार आए हो थे? आज पहली थी ना, मैं किते गई हुई थी। अच्छा मैं उधर ही आके बैठी है, चलो। अच्छा तो अम्मा जी क्या आपके बच्चे अच्छे नहीं है, बेटे शेटे? दो बेटियां हैं। अच्छा बेटा मेरा वैसे ही दरवेश है। अच्छा अच्छा बाप है नहीं शेटे, उन्होंने 19 साल हो गए, हम विवाह लग गया। अच्छा देना जी कुर्बानी का गोश्त खादा उन्होंने। अच्छा ते अगो महरम चढ़ने वाले चलन प्यारे हो गए। अच्छा सही सही सही। अम्मा जी मास्क में सारे आप ला के दे दें अपने, सारे मास्क लिए, कितने मास्क हैं आपके पास? मेरे हाँ माशाल्लाह 8-9 डब्बे होंगे। अच्छा फिलहाल कितने पे आगे? अच्छा चलो अम्मा जी ये मेरी तरफ हो, ठीक है? हाँ
अपने घर जाके ना मास्क कम करते रहने है तुसी मांग नहीं रहे है मैं बड़ा अच्छा लगे तुसी रिस्के हलाल कमा रहे हो रोटी कमा रहे हो किसी को किसी के हाथ नहीं फैला रहे ठीक है ते अम्मा जी दुआ करनी मेरे वास्ते मैं नमाज पढ़ रही हूं अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करे और हमारे लिए भी दुआ करनी है अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ दी मेरा अल्लाह दे अल्लाह दे नाल ना रसूल ना मेरी बड़ी बहुत बड़ी बात है मुझे अल्लाह बहुत बड़ी बात है करके आई मेनू किसी ने कराया अच्छा मेरा शिगिरदान अच्छा मेनू उन्होंने आप ही बुलाया मेरे सोने ने अच्छा बैठे खाने कावे का देखिए अम्मा जी की मुझे इतनी लाइवली अम्मा जी लग रही है ना ये वाली मतलब कि शी इज एनर्जेटिक इतनी अच्छी बातें करी अम्मा जी दुआ करनी है मेरे लिए ठीक है चलिए अल्लाह ताला आपको खुशियां दे इंशाल्लाह मैं मिलूंगा अम्मा जी आपसे दोबारा आके ठीक है मेरा वादा रहा अगर आप यहाँ पे बैठी हुई तो ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गाइस मुझे इस माँ जी के ना आवाज में इतनी एनर्जी नजर आई लाइक आई रियली एंजॉयड मतलब द वे शी वाज सेइंग कि इन्होंने उमरा किया है और अपने शोहर के बारे में बता रही थी दो कि मैं इतना डिटेल में इनसे मैं इंटरव्यू नहीं ले सका यू कैन से कि यार अभी मैं खुद थोड़ा थोड़ा शाय फील करता हूँ इतने इनिशियल डेज हैं और बड़ा एक अजीब सा भी लगता है कि यार लोगों के पास जाके कोई माइंड ना कर जाए किसी के साथ मैं ऐसा कैमरा उसके सामने रख देना या लगा देना इट्स रियली एक वो चीज़ भी हो जाती है इट कैन बी एम्बेरसिंग एज वेल। सो यार मैं इस तरह कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं था मैं जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ कोई मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई और बस मैं वीडियोस अपलोड करूँगा यूट्यूब पे और आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा इधर आई एम हेडिंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन और बाकी यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और मुझे भी और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा।